हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। स्वागत है अपना ब्लॉग एंड टिप्स में। तो देखिए, यहाँ मेरा झाड़ू पोछा, ये नहाना धोना हो गया है। अब मैं यहाँ पर पूजा कर देती हूँ। और यहाँ देखिए, पूजा करने के बाद मैं गंगा जल हमेशा अपने घर में छिड़कती हूँ चारों कोनों में। और यहाँ पर चाय वाय मतलब पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में, अपने लिए चाय बनाऊँगी। और क्या हो रही है तुम्हें? और यहाँ बन रही है मेरी चाय। तो चाय बन रही है, इतने देर में मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कद्दू की सब्जी है, कद्दू है मेरे पास, तो मैं उसे भी काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज कद्दू की सब्जी बना। और छोटी वाली बेटी को बुखार हो गई है ना, फीवर हो गई है ना। हाँ, तो यहाँ मैं कद्दू काट लूँगी। और उधर चाय मैंने बनाकर पलट कर रख दी है गिलास में, क्योंकि थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना, तब तक फिर पीऊँगी बैठ के। एकदम गर्म तो चाय नहीं पी जा सकती। तो इतनी देर में अपना ये काम ख़त्म कर लेती हूँ मैं। कद्दू की सब्ज़ी काटने के बाद, चाय वाय पीने के बाद, फिर मैंने अब सोच रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी को मैं छौंक देती हूँ। और आज कढ़ाई मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करना है ख़त्म। तो आज मैं बनाऊँगी कुकर में कद्दू की सब्ज़ी। तो ये डिब्बे रख देते हैं ना, थोड़ी हमारी जो सब्ज़ी वगैरह छौंकते तो उसकी उससे हमारे डिब्बे थोड़े चिकने चिकने से हो जाते, तो साथ 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 के साथ पहुँचती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं कद्दू सब्ज़ी में डालूँगी लाल वाली सूखी मिर्च होती है वो डालूँगी काट कर, हरी मिर्च नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे कद्दू की सब्ज़ी लाल मिर्च डाल कर ही पसंद है। और यहाँ मैं अपने कद्दू धो लूँगी। और सब्जी छौंक दी मैंने, अब मैं अपना आटा लगा लूँगी जल्दी जल्दी। और आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट कर ज़रूर बताना मुझे आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो देखिए, यहाँ पर मेरा आटा भी गूंदने वाला है। और आज मंडे है तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और बच्चे भी जाएंगे स्कूल, बेटी जाएगी स्कूल। और आटा गूंद कर रख दिया है मैं, उसके लिए अनार छील कर दे देती हूँ बच्चों को। मेरी बड़ी बेटी के अंदर ना ब्लड की कमी है, तो इसलिए मैं उसके लिए अनार मंगाया। मैं रोज़ एक अनार उसे दे देती हूँ छील कर, तो खा लेती है। और उसके लंच में रख देती हूँ। तो ये काम भी ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो करना बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों को, अपने लिए टाइम हो या ना हो, लेकिन बच्चों का काम तो पहले करना है। और सब्जी भी बन गई है, अनार छील के बच्चों को दे आई हूँ। और यहाँ पर मैं अब बनाऊँगी पूड़ियाँ, सेकूँगी कद्दू की सब्जी के साथ पूड़ियाँ, अच्छी लगती है। वैसे तो कद्दू खाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, मेरा तो बिल्कुल भी कद्दू खाने का मन नहीं करता। मेरे घर में कोई भी कद्दू सब्जी नहीं खाता, लेकिन हाँ कभी महीने छः महीने में बनाती हूँ तो पूड़ी बनाती हूँ उसके साथ, तो अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए, पूड़ी बना ली है मैंने, तो आ जाइए आप लोग भी, पूड़ियाँ खा लीजिए और कद्दू की सब्ज़ी। इधर मैं अपनी बेटी के लिए लंच पैक कर देती हूँ। और देखिए, ये मैंने घर से मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ये बैठ कर फिर वीडियो बैग बनाया था। तो देखिए, आपको ये बैग मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको बनाना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, हर्षिता क्रिएटिव टिप्स पर। तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको इसकी फुल वीडियो मिलेगी, कटिंग स्टिचिंग सारी वीडियो मिलेगी। और ये बैग बनने के बाद इतना सुंदर लग रहा था कि जैसे मार्केट से खरीद कर लाई हूँ मैं, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा था। कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि हाँ ये घर पे बना। और जी मैंने बनाया कितने थोड़े से कपड़े का बनाया, जैसे कि हम कुर्ती सिलते हैं, कुर्ती कटिंग करते हैं, उसमें से थोड़ा सा साइड से कपड़ा बच जाता है, उससे बनाया मैंने ये बैग। और इसके मतलब ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है, इसे हम ट्रेवल के लिए भी कर सकते हैं, मतलब मार्केट भी आ सकते हैं, इसे हम कुछ भी छोटे बच्चों कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं, इसमें अपने भी रख सकते हैं, एक दो जोड़ी आ जाएंगे कपड़े हमारे भी। और इसमें टू जिपर लगाई है मैंने, तो आप बताना।